दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु शर्मा। दोस्तों, आज मैं फिर से आ गया आपके पास एक नई वीडियो लेके। दोस्तों, ये वीडियो आप लास्ट तक देखना, इस वीडियो में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जानने को मिलेगी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको फील्डिंग पोजीशन के बारे में बताऊंगा, कहाँ कहाँ पर फील्डर लगते हैं। आमतौर पर आपने देखा होगा कैप्टन कहते रहते हैं कि आप लगे फाइन लेग, आप लगे मिड विकेट और स्क्वायर लेग, ऐसे कहते रहते हैं। तो दोस्तों, आपने फील्डर्स जो होते हैं उन्हें पता नहीं लगता कहाँ पर लगना होता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में इसी सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा और ड्रॉ करके सब चीज़ बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं आपको पेपर और मार्कर और दो स्केच पेन और स्केल की मदद से आपको पूरा ड्रॉ करके बताऊंगा। दोस्तों, इसमें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सबसे मेन चीज़ है पिच। पहले इस पर पिच ड्रॉ कर लेते हैं। जो हो गए दोस्तों हमारी पिच, यहाँ पर हमारे लगे रहते हैं तीन स्टंप, यहाँ पर भी तीन स्टंप लगे रहते हैं। यहाँ पर होता है हमारा एक बैट्समैन, यहाँ पर होता है हमारा एक बैट्समैन, यहाँ पर होता है अंपायर, अंपायर बैट्समैन, और यहाँ पर होता है हमारा एक बॉलर, रनअप के लिए जो रहता है बॉलर। दोस्तों, ये पिच हमारी दो पार्टीशन में डिवाइड रहती है। ये चलो डिवाइड कर लेते हैं। दो में डिवाइड होगी दोस्तों, और इसे इसमें मेन बाउंड्री और 30 यार्ड बना लेते हैं। दोस्तों, ये दोस्तों आपको कोई भी दिक्कत परेशानी हो दोस्तों, मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना, मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। दोस्तों, ये हमारी बन गई मेन बाउंड्री। अब मैं बनाता हूँ 30 यार्ड। ये हो गया हमारा 30 यार्ड। इस साइड को हम कहते हैं, ये जो पूरा साइड है इधर वाला, इसे हम बोलते हैं ऑफ साइड। ऑफ साइड इसे बोलते हैं लेग साइड। अरे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आपने आमतौर पर देखे होंगे यहाँ पर ज़्यादा फील्डर रहते हैं ऑफ साइड पे। ये एक राइट बैट्समैन के लिए बनाई गई फील्ड है। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा रहता है एक कीपर, कीपर दोस्तों, और यहाँ पर अभी हमें और पार्टीशन करने हैं जिससे आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। यहाँ पर आपको एक ऐसे मार्क करना है, यहाँ पर हमारा वी होता है, यहां पर भी। आपने तो देखा ही होगा दोस्तों, अगर हमारे कोई फील्डर इसके बीच में लगे रहते हैं, इसके बीच में भी ज़्यादा क्लोज रहते हैं पिच के, तो देखा ही होगा आपने नो बॉल दिए जाती है। ये हमारा स्ट्रेट होता है, इसे हम बोलते हैं लॉन्ग ऑफ। यहां पर हमारा फील्डर लगा रहता है, इसे बोलते हैं हम लॉन्ग ऑन। दोस्तों, हम इसे बोलते हैं फाइन लेग। और इसे बोलते हैं शॉर्ट फाइन लेग। और हम इसे बोलते हैं थर्ड मैन। और ऐसे ही इसे भी, जैसे इसे शॉर्ट फाइन लेग बोल दिया, इसे हम बोल देंगे शॉर्ट थर्ड मैन। देखिए दोस्तों, आपको और डिवीजन करना है इसमें।
पहले तो यहाँ पर एक लाइन खींची जाएगी, अरे बताऊँगा किस लिए खींची जाएगी, पर इस वीडियो पे आप लास्ट तक बने रहना, आपको सारी फील्ड समझ में आ जाएगी। मुझे पता है दोस्तों आपको एक बार में समझ में नहीं आएगी, पर आप 2 से 3 बार वीडियो देखोगे तो पक्का समझ में आ जाएगी 100%। देखिए दोस्तों, ये हमारा होता है कवर्स, पहले यहाँ से भी एक लाइन खींची जाएगी, दोस्तों देखिए जो इतना पार्ट होता है हमारा, जो इतना पार्ट होता है हमारा, इसे हम बोलते हैं कवर्स। कवर्स हमारा फिल्टर यहाँ पे खड़ा रहता है, और यहाँ पर हमारा हो जाता है इसी वाले पार्ट में, इसी वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में दोस्तों, इसे बोलते हैं हम डीप कवर्स। यहाँ पर हमारा फिल्टर खड़ा रहता है दोस्तों। इसी तरह ये हमारा जो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट होता है, इसे हम बोलते हैं, जैसे ये वाला पार्ट हो गया हमारा, ये वाला दोस्तों, इसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा कवर। यहाँ बोलते हैं हम डीप एक्स्ट्रा कवर। कवर यहाँ पर भी हमारा फिल्टर खड़ा रहता है, यहाँ पर भी दोस्तों। अब यहाँ के फील्ड पे आ जाते हैं हम, इसे बोलते हैं पॉइंट। ये थोड़ा विकेट से थोड़ा आगे रहता है, इसके आगे है दोस्तों, इसे हम बोलते हैं डीप पॉइंट। हम ऐसे ही इसे बोलते हैं, यहाँ पर भी थोड़ा सा स्लिप, यहाँ पर स्लिप लगी रहती है, इसे बोल देते हैं स्लिप। यहाँ पर भी कितनी भी स्लिप लगा सके, फर्स्ट स्लिप, सेकेंड स्लिप, और इसी तरह इसके और पॉइंट के बीच में जो जगह बचती है दोस्तों, उसे हम बोलते हैं गली। जो ये थोड़ी सी जगह बची रहती है, यहाँ पर हम बोलते हैं गली, और यहाँ पर हम बोल देंगे जो पीछे लग जाएगा, इसे बोल देंगे डीप गली। दोस्तों यहाँ का तो ऑलमोस्ट समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब ऐसे चलते हैं हम लेग की साइड, हम इसे बोलते हैं लेग स्क्वायर, ऐसे ही इसे बोल देंगे डीप लेग स्क्वायर हम इसे बोलेंगे दोस्तों। देखिए जो हमारी ये चीज है विकेट के मिड में, और यहां से यहां तक का एरिया, हम इसे बोलते हैं मिड विकेट। जो ये एरिया होता है मिड विकेट, और यहां से यहां तक के एरिया को बोल देंगे, जो यहां से यहां तक का एरिया है, डीप मिड विकेट। यहाँ पर भी हमारा फील्डर खड़ा रहता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, इसी तरह हर जगह फील्डर खड़े रहते हैं। इस वजह से मैं इनको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये तो समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, बहुत आसान चीज़ है दोस्तों। बस हमारे चैनल से इसी तरह बने रहिए, आपको हर चीज़ की इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करते रहना दोस्तों। देखिए दोस्तों जो हमारे लॉन्ग ऑफ होता है, ये लॉन्ग ऑन होता है दोस्तों। देखिए जैसे लॉन्ग ऑन है, उससे थोड़ा जो 30 यार्ड के सर्कल में जाएंगे, तो इसे हम बोलेंगे मिड ऑफ, और जैसे ही यहाँ पर भी थोड़ा जाएंगे यहाँ पर, तो इसे बोल देंगे मिड ऑन। यहाँ पर भी एक प्लेयर खड़ा रहता है दोस्तों, यहाँ पर भी एक फील्डर खड़ा रहता है दोस्तों। फाइनली मैंने सब कुछ समझा दिया है दोस्तों। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। देखिए दोस्तों, देखिए सही से देखिए आप, एक बार फिर से ऐसे समझा देता हूँ एक बार। देखिए दोस्तों, ये हमारा होगा थर्ड मैन, पीछे खड़ा रहता है वी में, और ये हो गया हमारा फाइन लेग। ये हमारा होगा कीपर, कीपर विकेट के पीछे खड़ा रहता है, अंपायर विकेट के पीछे, और बॉलर अपने रन अप पे रहता है। ये हमें स्ट्रेट होता है, पूरा स्ट्रेट ये होता है, और ये ऑफ साइड की सारी फील्ड होती है। ये हो गया हमारा शॉर्ट थर्ड मैन, ये हो गया हमारा थर्ड मैन डीप गली, ये हो गया हमारी गली। गली हम तब बोलेंगे जब हमारी उसके 30 यार्ड के अंदर रहेगी। ये हमारा पॉइंट हो गया शॉर्ट पॉइंट, इसे तब बोलते हैं जब 30 यार्ड के अंदर रहेगा डीप पॉइंट। कवर्स, कवर्स हमारा मिड पॉइंट वे
मिड विकेट के ऑफ साइड पे आएंगे तो थोड़ा इधर आके इसे बोल देंगे कवर, इसे बोल देंगे डीप कवर, इसे बोल देंगे एक्स्ट्रा कवर दोस्तों, इसे बोल देंगे डीप एक्स्ट्रा कवर, मिड विकेट, मिड ऑफ, लॉन्ग ऑफ, मिड ऑन, लॉन्ग ऑन, बॉलर स्ट्रेट, लेग स्क्वायर, डीप लेग स्क्वायर। दोस्तों बहुत आसान फील्ड है, ठीक है दोस्तों, बाय, थैंक यू दोस्तों, बाय।